कहा गया है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि उस चीज़ को बस दिल से चाहना ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर बस चाहने से ही सारी चीज़ें मिल जाती तो इस दुनिया में किसी के भी सपने अधूरे नहीं रहते। तो जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा कि आई स्पेंड माई 1 लाख रुपीज़ यूट्यूब मनी ऑन दिस, तो वो दिस क्या है ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो इस वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि क्या आपके भी कुछ सपने हो और ये वीडियो आपके उस सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा आपको और मोटिवेट कर दे। तो ये कहानी है मेरे लाइफ के अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट और सबसे महंगे प्रोडक्ट की, जिसकी शुरुआत होती है 12 साल पुराने सेकेंड हैंड सीपीयू से। अब ये पूरा सेट मेरे मम्मी पापा ने एक जान पहचान वाले से ख़रीदा था, और इसको लेने के पीछे कोई खास रीज़न नहीं था। बस उस टाइम मेरे भैया ने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन किया था और घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए था, तो उन्होंने जिद की और मम्मी पापा ने ख़रीद दिया। अब उस टाइम घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं थी कि मम्मी पापा नया ख़रीदते, पर ये डील हमें काफ़ी बढ़िया मिल गई थी, क्योंकि 12,000 रुपये में हमें सीपीयू मिला, मॉनिटर मिला वो पुराना मॉडल बड़ा सा टीवी वाला, और एक आईबॉल का साउंड सिस्टम जो कि मैं अभी तक यूज करते आ रहा हूँ। तो डील काफ़ी बढ़िया थी, क्योंकि आजकल के टाइम में जो आजकल पीसी बिल्ड करने का ट्रेंड चल रहा है, इस टाइम में अगर आप खोजो कि 12,000 रुपये का आपको कुछ मिल जाए या कुछ बन जाए तो इम्पॉसिबल है, 12,000 रुपये में कुछ नहीं बनने वाला। तो जब ये कंप्यूटर आया था तो मेरा इसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मैं तो बस अपने दोस्तों में ये बताकर खुश हुआ करता था कि मेरे घर पे कंप्यूटर है। क्योंकि उस टाइम पे स्पेशली गांव के इलाकों में बहुत कम ही घर ऐसे थे जिनके यहाँ कंप्यूटर होते थे। तो जब ये सीपीयू मेरे घर पे आया था तो उस टाइम जो इस सीपीयू के स्पेसिफिकेशन थे वो थे कि इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क थी, 2 GB का रैम था, और जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो कम होते चले गए, यानी 500 GB की हार्ड डिस्क 250 GB हो गई, इसका साउंड जैक खराब हो गया, डिस्क राइटर खराब हो गया, और मिला जुला के मैं ये कहूँ कि जितना पैसा लगा था इसको परचेस करने में उससे कहीं ज़्यादा धीरे धीरे करके इसको बनवाने में लग गए। फिर 2014 में भैया का कॉलेज में एडमिशन हुआ। अब उनका जो कॉलेज था वो मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर था, और भैया का जो ब्रांच था वो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच था, तो उनको वहाँ पे एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। अब इसको वहाँ पे ले जाने में बहुत बड़ी समस्या थी, तो फिर मम्मी पापा ने भैया के लिए एक नया लैपटॉप खरीदा जो कि डेल का वॉस्ट्रो मॉडल था, जिसकी प्राइस थी 35,000 रुपये। अब उस टाइम इस लैपटॉप के जो स्पेसिफिकेशन थे वो ये थे कि इसमें 4 GB की रैम थी, 1 TB की हार्ड डिस्क थी, इंटेल i3 था और एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड था। अब भैया का जो काम है इस लैपटॉप पे अच्छे से होने लगा, और मेरा जो काम है अभी भी इसी कंप्यूटर पे चल रहा था। और सही बताऊँ तो मेरा कोई खास काम नहीं था, मैं बस मूवीज़ देखता था और जो मूवीज़ कहीं से अच्छे खासे मिल जाते थे वो मैं अपने दोस्तों को कॉपी पेस्ट करता रहता था। फिर 2016 में मेरा कॉलेज का टाइम आया। अब फर्स्ट ईयर तक तो सभी चीज़ें नॉर्मल थीं, पर जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ मेरे क्लास के ऑलमोस्ट सभी लड़कों ने अपना एक खुद का लैपटॉप परचेस कर लिया था, क्योंकि मेरा भी ब्रांच कंप्यूटर वाला ही था। अब ये देखकर मेरा भी मन हुआ कि मेरा भी एक खुद का पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए, तो मैंने ये बातें आके घर पर कहीं। और 2017 में होली के जस्ट 2-3 दिन बाद मम्मी पापा ने मेरे लिए एक नया लैपटॉप ख़रीदा जिसकी प्राइस थी 30,000 रुपये। अब जब मेरे मम्मी पापा ने ये लैपटॉप ख़रीदा तो उसी टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद से जब भी मुझे कुछ लैपटॉप मोबाइल या गैजेट परचेस करना होगा तो वो मैं अपने पैसों का ख़रीदूँगा। क्योंकि अभी तक आपने इस वीडियो में एक चीज़ नोटिस की होगी कि चाहे वो पहले सेकेंड हैंड कंप्यूटर की बात रही हो, भैया के लैपटॉप की बात रही हो या मेरे लैपटॉप की बात रही हो, मेरे मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया।
हम लोगों ने जब भी कहा उन्होंने ख़रीद दिया। और शायद आपके मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं कि जब भी आप उनसे कुछ डिमांड करते हो तो वो ख़रीद देते हैं, भले ही वो एक दिन में ना ख़रीदें, भले ही वो एक हफ्ते में ना ख़रीदें, एक महीने में ना ख़रीदें, लेकिन ख़रीदते ज़रूर हैं। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी हमारे फैमिली में हमसे रिलेटेड यानी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बड़ी ख़रीदारी होती है, लाइक PC, लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी गैजेट, तो उसके पीछे कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारे मम्मी पापा सेक्रीफाइस कर देते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें उनकी ज़रूरत की भी होती हैं जिन्हें वो सेक्रीफाइस करते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो पहले ये ले लेते हैं, वो बाद में ख़रीद लेंगे। तो इन चीज़ों के लिए मैं अपने मम्मी पापा को या आप अपने मम्मी पापा को कितना भी थैंक्स बोलो वो कम है। अब ये जो लैपटॉप है ये मेरे मामा जी ने खरीदवाया था क्योंकि उनको उस समय लैपटॉप के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। और ये लैपटॉप और मेरे भैया के लैपटॉप में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, बस 5,000 रुपये का डिफरेंस था क्योंकि भैया का डेल का वॉस्ट्रो मॉडल था और मेरा जो था वो डेल इंस्पिरॉन 3000 सीरीज़ का मॉडल था। सारी चीज़ें सेम थी, बस ये था कि भैया में एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड था और मेरे में एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड नहीं था, बाकी सारी चीज़ें सेम थीं। अब ये लैपटॉप आज के टाइम में भी A1 है पर वीडियो एडिटिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर 2017 में मुझे ये पता होता कि मेरा मेन काम वीडियो एडिटिंग का होने वाला है तो मैं पक्का थोड़े पैसे और मिला के इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल ले लेता, क्योंकि मैं अपनी वीडियो कैमटासिया और फिल्मोरा में एडिट करता हूँ और ये दोनों सॉफ्टवेयर इसमें स्मूथली रन नहीं करते। और अगर मैं एक 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड की 10 मिनट की वीडियो एडिट करके रेंडर करूँ तो इसे रेंडर होने में ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट लग जाते हैं, जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और इनका टाइमलाइन का तो कोई जवाब ही नहीं है, ये चलते चलते कभी इतना हैंग कर जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसे क्लोज करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे अब अपग्रेड करना था, मुझे एडोबी के सॉफ्टवेयर पे वर्क करना था लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, और ये मेरा लैपटॉप जो है ये परमिशन नहीं दे रहा था किसी भी एडोबी के सॉफ्टवेयर को रन कराने की, क्योंकि जब भी मैं कोई एडोबी का सॉफ्टवेयर ट्राई करता था तो मेरा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता था, हैंग कर जाता था और मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता था। तो जनवरी 2021 में मैंने प्लान बनाया एक बढ़िया लैपटॉप लेने का, पर कुछ रीजंस की वजह से और कोविड की वजह से मेरा जो प्लान था वो पोस्टपोन हो गया। फिर जुलाई से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया एक बेस्ट लैपटॉप के लिए जिसमें बढ़िया तरीके से एडिटिंग हो जाए। अब मेरा जो बजट था वो था 60 से 70 हज़ार रुपये और मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये था कि मैं एक ऐसा लैपटॉप लूँ जिसमें एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर अच्छे से रन कर सकें। पर Amazon और Flipkart पे सर्च करने पे जितने भी रिजल्ट आ रहे थे उनमें से ऑलमोस्ट गेमिंग लैपटॉप ही थे। अब मेरा गेमिंग लैपटॉप में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था तो इसीलिए मैंने एक दो ग्रुप में पोस्ट किया, दोस्तों से रिकमेंडेशन लिया और YouTube पे सर्च किया, और इन सारे जगहों से जो मुझे एक कॉमन आंसर मिला वो ये था, भाई अगर गेमिंग मायने नहीं रखता तो थोड़े पैसे और लगा के MacBook Air M1 ले लो। अब मैंने आज तक कभी किसी एप्पल प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, पर इतने सारे लोगों से एक ही आंसर सुन के मेरा मूड भी चेंज हुआ और मैंने कहा कि एक बार चेक करते हैं कि एप्पल मैकबुक एयर M1 कैसा है। तो फिर क्या, एक हफ्ते के अंदर जितने भी यूट्यूब पे मैकबुक एयर M1 से रिलेटेड वीडियोस थे मैंने सारे देख डाले, कंपैरिजन, एडिटिंग, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, सारी चीज़ें। अब इसी एक वीक में मैंने डिसाइड कर लिया था कि लूँगा तो मैकबुक एयर M1 ही, पर कुछ विद्वान लोगों का कहना ये था कि अगर आप 3-4 साल की प्लानिंग करके ये ले रहे हैं तो आप इसके 16GB वेरिएंट को लीजिए। अब मैं यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, फिर मैंने यहाँ पे इसके 8GB रैम वर्सेस 16GB रैम के इशू पे फोकस किया और रिजल्ट यही निकल कर सामने आया कि फ्यूचर प्रूफ के लिए 16GB वेरिएंट ज़्यादा सही रहेगा। अब उस टाइम एप्पल की साइट पे स्टूडेंट ऑफ़र चल रहा था तो जो बेस वेरिएंट है मैकबुक एयर का उसकी ओरिजिनल प्राइस है 92,000 रुपये और स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद से उसकी प्राइस हो गई थी 83,600 और जो 16GB वेरिएंट है उसका डिस्काउंट के बाद से जो प्राइस था वो था 101,690 रुपये। पर इतने महंगे प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले सबसे ज़रूरी था घर वालों से परमिशन लेना। अब भले ही वो आपके खुद के पैसे हों पर यार 100,000 रुपये खर्च करने में फील तो होता ही है। तो मैंने मम्मी पापा और भैया को पूछा कि मैकबुक ले लूं, तो उन्होंने पूछा कि कितने का है, तो मैं थोड़ा रुका
और मैंने कहा 1,00,000 रुपये। तो वो ये सुन के थोड़ा रुक गए। अब मैंने सोचा कि ये मना करेंगे, और फिर कुछ देर बाद मम्मी ने कहा कि ले लो, अगर बढ़िया है और तुम्हारा काम इसमें आराम से हो जाएगा और तुम्हारे लिए परफेक्ट है तो ले लो। अब ये सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान था कि ये लोग इतनी जल्दी राजी कैसे हो गए। परमिशन तो मिल चुकी थी, पर फिर भी मेरे मन में काफ़ी उथल पुथल हो रही थी, क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना ये था कि ये बस पैसे की बर्बादी है, क्योंकि अगर एक बार ये बिगड़ गया या इसका कोई भी एक भी पार्ट डैमेज हो गया तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाएंगे बनवाने में। अब पता नहीं आपके साथ ये होता होगा या नहीं, पर अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास 90% पॉजिटिव थिंकिंग है और 10% निगेटिव, तो आप निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते होगे। और वैसे ये निगेटिविटी होती भी नहीं है, ये तो बस कुछ विद्वानों के द्वारा दी जाती है जो ये कहते हैं कि बिगड़ जाएगा, पैसे की बर्बादी है, चलेगा नहीं, बेकार है, तो आप इन सारी चीज़ों को सोचने लग जाते हो। और सेम मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ये सारी चीज़ें सोचने लगा और मैं काफ़ी कन्फ्यूज हो गया था कि अब लूँ कि ना लूँ। और ऐसे सोचते सोचते सितंबर स्टार्ट हो गया। फिर एक दिन मम्मी ने कहा कि अगर प्लान बना लिए हो तो ले लो, निगेटिव चीज़ों पर फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें खराब ही जाएँ। अब इतना सुनने के बाद से मेरा माइंड एकदम क्लियर हो चुका था, और 10 सितंबर 2021 को मैं अपने पुराने लैपटॉप के सामने बैठा और बस मैंने यही कहा, करते हैं यार। तो फाइनली मैंने अपने लाइफ का अभी तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट और मेरे लाइफ का सबसे पहला एप्पल का प्रोडक्ट मैकबुक एयर M1 परचेस कर लिया। अब मैं चाहता तो ये वीडियो सिंपल तरीके से भी बना सकता था, डायरेक्ट अनबॉक्सिंग करके दिखा सकता था, पर मैं आपको एक जर्नी दिखाना चाहता था कि कैसे मैं 12,000 के उस सेकेंड हैंड कंप्यूटर से इस 1,00,000 के मैक पे आया। क्योंकि 12,000 के उस कंप्यूटर को यूज करते टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी 1,00,000 का मैक यूज करूँगा, या मेरा कभी एप्पल के प्रोडक्ट को लेने का सपना भी नहीं था। पर उस एक हफ्ते के रिसर्च ने सारी चीज़ों को पलट के रख दिया। चलिए आराम से निकालिए, पैंक लाइए अब अपने, और पकड़ के डब्बा में लाइए। अब मेन सब प्रीमियम क्वालिटी हटा देंगे, ये या भाई साहब। हाँ वो दोनों से अपने और ऊपर उठाइए, वो बाहर आएगा। हाँ हल्का सा आ गया, अब निकालिए ऐसे पकड़ के। हाँ ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा, हल्का से हिलाते रहिए। आ रहा है आ गया भाई। इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही था कि आप में से बहुत सारे लोगों के कोई ना कोई सपने होंगे और आप अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। अब ये मैटर नहीं करता कि आप एक यूट्यूबर हो या आप किस फील्ड से हो, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कभी ये मत सोचना कि आप अपने उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, बाकी का काम कायनात कर देगी।